अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको जीबीपी यूएसडी के जो वीकली टेक्निकली या फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में बताया जाएगा, या जो इसके मेजर लेवल्स हैं। मज़ीद तो बेहतर तो जो है वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा, सबसे ख़ास चीज़ के इसके जो मेजर लेवल्स हैं वो आपको अपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ड्रा कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने ट्रेड करनी होती है। तो अगर अगर तो बात की जाए इसके मेजर ट्रेंड की, तो वो डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रैश मार्केट हो चुकी है, तो ज़्यादातर पेयर जो हैं वो डाउन की तरफ चल रहे हैं। तो इसका मैं जो मेजर अभी वो लेवल है वो आपको बता देता हूँ, वो अपने कंप्यूटर में आप लिख लीजिए। इसका जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो 1.1647 है। जो मौजूदा प्राइस है वो है 1.1647, ठीक है। ऊपर इसकी सपोर्ट है 1.2016, ये वाली ग्रीन वाली। एक तो ये सपोर्ट है इसकी 1.2016, और सॉरी रेजिस्टेंस, और एक उसका ऊपर रेजिस्टेंस है 1.2255, यानी कि 1.2255 जिसे बोलते हैं, या 1.2255 बोलें। ये इसकी मेजर मेरी स्ट्रेटजी या मेरा तरीकाकार, मैं ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन इन दो चीज़ों पे काम करता हूँ। तो अभी तक तो मैं मार्केट में बहुत ही कम ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। तो अभी मैं अभी करंट प्राइस से क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल तक जाए, ठीक है। ये 2216 से 1.2016 से भी वापस आ सकती है, तो इसको क्रॉस करके ये 1.2255 इस लेवल तक भी जा सकती है। इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मे बी मार्केट वापस आए, तो इसका इस तरह से भी हो सकता है। मतलब कि 2216 वाला जो लेवल है इससे भी टच करके भी मार्केट वापस आ सकती है, और जो 2255 वाला है इसको टच करके भी मार्केट वापस आ सकती है। जो मेजर इसका रेजिस्टेंस है वो 2255 है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ इसको टच करने के बाद वापस, जैसे ही आती है कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो आप सेल में एंट्री लगा सकते हैं। सेल में एंट्री लगाने के बाद मैं आपको इसका टारगेट बता देता हूँ कि कम से कम इसका मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसी हिसाब से हमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इसका जो टारगेट बन रहा है वो 1.1034 या 35 तक लगा सकते हैं, यानी कि 10:35 तक इसका आप टीपी लगा सकते हैं। मार्केट यहाँ से आपको इस लेवल से आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले 2255 से, या आपको 2016 से कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, ये दो ही ऐसे लेवल हैं जहाँ से मार्केट वापस मुड़ सकती है। तो जिस लेवल से भी मुड़े लेकिन स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक होगा। ये जो येलो है ना, येलो इसके ऊपर ही 4 से 5 पिप आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक तो ये स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन जब मार्केट इसको टच करेगी 2255 को, उसके बाद उसकी मूवमेंट के हिसाब से जो इसका लास्ट हाई होगा उस वहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और जो टीपी मैंने आपको बता दिया है वो 10:34 तक है, वो आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।